खबर पौड़ी से है, जहां दिवाली त्योहार से पहले बाहरी शहरों से आए छोटे व्यापारियों और स्थानीय व्यापारियों के बीच बहस बढ़ गई है। स्थानीय व्यापारी दिवाली का सामान बेचने बाहरी शहरों से आए छोटे व्यापारियों का सामान बाजार से हटवा रहे हैं। स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि पूरे साल में कुछ त्योहारों को छोड़ दें तो पौड़ी का बाजार फीका ही रहता है, लेकिन जब स्थानीय व्यापारियों को कुछ त्योहारों पर व्यापार करने की उम्मीद होती है तो बाहरी शहरों से आए व्यापारी उस पर अपना हक जताते हैं। स्थानीय व्यापारियों के हित में व्यापार सभा भी आगे आई है और बाहरी शहरों से आए व्यापारियों को अपना सामान हटाने को कहा है। वहीं बाहरी शहरों से आए छोटे व्यापारियों का कहना है कि वह कई सालों त्योहारों के सीजन में अपना सामान बेचने पौड़ी आते हैं, लेकिन इस बार उन्हें हटाने का विरोध शुरू हो गया है। पौड़ी से मुकेश बछेती की रिपोर्ट। हाँ, फल लगाना आ रखे हैं, हमें लगाने नहीं दे रहे हैं, हमें परेशान कर रहे हैं। लोग बाग बहुत ज्यादा हमारा सामान उठा के फेंक रहे हैं और हर साल आते हैं। हमारा आदमी विकलांग है, हमने मुझे 20 साल लोग यह लगाते लगाते हर साल आते, सब मेलों में आते हैं। हम यहाँ हर ही साल लगाते, हमारे इष्टम बच्चों को परेशान कर रखा हमें भी। ये सामान फेंक रहे हैं हमारा उठा उठा के, नहीं लगाओगे फल नहीं लगाने देंगे। बाहर से लोग आके और यहाँ पे फल फूल लगा रहे हैं तो उसमें हमारे व्यापारी काफी आक्रोशित हो रहे हैं, क्योंकि वो पूरे साल वो भी दिवाली का वेट करते रहते हैं कि जब दिवाली आएगी तो जो उनका भी माल है वो किस तरह से निकलेगा। और वो लोग किराया देते हैं उनके यहाँ दुकान पे, जो लड़के काम करते हैं उनको भी, और GST पे करता है हमारा व्यापारी। और अचानक आके अगर कुछ बाहर से व्यापारी और अपना सामान लगाएंगे तो हमारी, या तो वो सामान लगाएं जो कि यहाँ नहीं मिलता, लेकिन वो सामान लगा रहे हैं जो हमारे यहाँ आराम से उपलब्ध हो जाता है, उस पर अगर वो लोग लगाएंगे तो फिर हमारा व्यापारी आक्रोशित हो रहा है। तो इसी संबंध में आज अभी वहाँ पे काफी व्यापारी इकट्ठे हुए थे और उन्होंने उनका विरोध करा।